Assalamu alaikum students, good morning to all of you. I hope you all are fine and studying at home. This is our media session from Sir Saiya Children's Academy and Miss Misbah. I am going to teach you literature and language classes both. Let's begin our class. Before moving forward to our lecture, please make sure you have your junior English class 3 book and your language copy. Students, as you all know, today is our lecture number 3 and the topic is similars. So let's start our lecture. First, let's understand what is the meaning of similar or synonyms. Similars are the words which have same meanings. Similar words are also called synonyms. सिमिलर्स उन वर्ड्स को कहा जाता है जिनकी मीनिंग्स सेम होते हैं. इसी तरीके से सिमिलर्स को और क्या कहा जाता है, सिनोनिम्स. लाइक जैसे यहाँ नीचे दी हुई पिक्चर से भी आपको क्लियर हो रहा होगा, चिल्ड्रन एंड किड्स, दे बोथ आर सेम. मीन्स हम चिल्ड्रन और किड्स दोनों किसे कहते हैं, बच्चों को. इसी तरीके से एक बॉक्स जो कि बहुत अच्छे तरीके से गिफ्ट रैप हुआ हुआ है, मीन्स आप इसे प्रेजेंट कहिए या गिफ्ट कहिए, बोथ आर सेम. सो लेट्स अंडरस्टैंड सिनोनिम्स विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स. स्टूडेंट्स, हियर आर सम एग्जांपल्स गिवन फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सिमिलर और सिनोनिम्स. मींस फर्स्ट वन इज चूज. इफ यू से चूज इट इज ओके, बट इफ यू से सेलेक्ट इट इज ऑल्सो ओके. मीन्स अगर आप चूज कहिए या सेलेक्ट कहिए, दोनों बातें सेम हैं. इसी तरीके से ड्रॉप और फॉल. ड्रॉप मीन्स गिरना, फॉल मीन्स गिरना. फिनिश और एंड. फिनिश भी ख़त्म होना, एंड मीन्स ख़त्म हो जाना. हार्ड और डिफिकल्ट, दे बोथ आर सेम. आइडिया एंड थॉट. प्रेजेंट और गिफ्ट, दे बोथ आर ऑल्सो सेम. पुश और शव. क्वाइट और साइलेंट. क्वाइट और साइलेंट दोनों बातें किस वक्त कही जाएंगी, दोनों वर्ड्स कब कहते हैं हम, जब किसी को चुप करवाना हो. सैड और अनहैप्पी. सैड मीन्स उदास, अनहैप्पी नाखुश. स्टिंकी और स्मेली, दे बोथ आर ऑल्सो सेम. हेयर आर सम मोर एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड वॉट इज सिनोनिम्स. जंप और लीप. किसी चीज़ को फैलांगना या कूदना, जंप और लीप. टग और पुल. किसी भी चीज़ को खींचना, या तो आप उसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे टग या फिर पुल. किड और चाइल्ड. बच्चे के लिए या तो हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, किड या फिर चाइल्ड. प्रेजेंट और गिफ्ट. हम किसी को कोई भी तोहफ़ा पेश कर रहे हैं, मीन्स अगर आप उर्दू में देखेंगे तो तोहफ़ा कहा जाएगा, और इंग्लिश में या तो उसे आप प्रेजेंट कहोगे या फिर गिफ्ट. पुश एंड शव. पुश मीन्स धक्का देना या शव मीन्स धक्का देना. शाउट एंड येल. चीखना चिल्लाना मीन्स शाउट और येल, दे बोथ आर सेम. स्प्रिंट और रन. भागने के लिए आप स्प्रिंट वर्ड भी यूज़ करें तो भी ठीक, और रन वर्ड यूज़ करें तो भी ठीक. टॉस और थ्रो. किसी भी चीज़ को फेंकने या उछालने के लिए आप अगर टॉस कहते हैं तो भी ठीक, और अगर आप थ्रो कहेंगे तो भी ठीक है. स्टूडेंट्स, आई होप विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल्स यू आर नाउ एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सिनोनिम्स और सिमिलर वर्ड्स. So let's move forward to our copy work. First you have to make the title page as it is, as you can see here. आपको अपनी कॉपी में सबसे पहले टाइटल पेज मेंशन करना है. स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट टू मेंशन टुडेज डेट, सी वर्क एंड टाइटल पेज, एंड डू योर वर्क वेरी नीट एंड क्लीन विद इन वेरी नीट एंड क्लीन राइटिंग आफ्टर मेकिंग टाइटल पेज. Now let's start exercise A of page 74. Students, आपके पास यहाँ exercise A page 74 की copy work है. So let's see what will we do in this exercise. Copy the words in column A, then opposite each write
the word in column B, which is similar in meanings. आपके पास यहाँ कुछ कॉलम ए और कॉलम बी में वर्ड्स गिवन हैं, आपने मैच करने होंगे जो एक दूसरे के सिमिलर वर्ड्स हैं. कॉलम ए के वर्ड अगर हम रीड करें, इंक्वायर, नेसेसिटी, रेयर, सर्कुलर, ड्रॉजी, मॉइस्ट, सीज, पेट्रेट, रेग्रेट, पोर्शन. एंड कॉलम बी, स्टॉप, रोटेन, डैम्प, नीड, सॉरो, राउंड, आस्क, पार्ट, स्केयर्स एंड स्लीपी. स्टूडेंट्स, इफ यू वॉन्ट टू यूज कलरफुल पेंसिल्स टू मैच दीज कॉलम्स, सो यू कैन यूज. लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आर बुक वर्क. स्टूडेंट्स, ओपन बुक पेज नंबर 74 एंड मैंशन टूडेज डेट एंड सी वर्क. येस, नाउ यू आर ऑन पेज नंबर 74 एंड एक्सरसाइज बी. सो लेट्स सी वॉट वी हैव टू डू इन दिस एक्सरसाइज. In place of each word in bold type, write another word which has a similar meanings. यहाँ आपके पास इन sentences में कुछ words को bold किया गया है, आपको इनके similar words use करने हैं. इनको underline कीजिएगा as it is, जैसे आपके सामने show किया गया है, और इनके similar meanings जो होंगी, similar words जो हों, उन्हें उनके ऊपर ही लिख दीजिएगा. Number one, Sir Malcolm was thanked for his generous gift to the hospital. So what is the similar word of generous? Kind, K-I-N-D, kind. Number two, there will be a big crowd to see the champion driver attempt to break the world record next month. What is the similar word of attempt? Yes, try, T-R-Y, try. Number three, I have received no reply to my letter. Yes, students, think, what is the synonym of reply? Yes, answer, A-N-S-W-E-R, answer. Number four, after his huge Sunday lunch, Tim felt quite drowsy. What is the synonym of drowsy? Yes, sleepy, S-L-E-E-P-Y, sleepy. Number five, the material is very coarse. So what is the synonym of coarse? Rough, R-O-U-G-H, rough. Number six, people purchase warm clothing in readiness for winter. What is the synonym of purchase? Buy, B-U-Y, buy. Number seven, the annual flower show is held in February. Yes, what is the synonym of annual? Yearly, Y-E-A-R-L-Y, yearly. Anne was scared of the big bloodhound. What is the synonym of scared? Yes, frightened, darna, F-R-I-G-H-T-E-N-E-D, frightened, darna, ya khauf zada hona. So students, I hope you enjoy the lecture and understand it very well. Keep watching and keep learning. Don't forget to subscribe SHCA YouTube channel and press the bell icon. Thank you so much, students. Take care. Allah Hafiz.